Good morning, student. Welcome you all. So today we'll start our supplementary reader book, that is Footprints Without Book. So we'll start the first chapter, that is Triumph of Surgery, right? So today we'll see the second part of this chapter. We already have done the first one, okay? But before starting the chapter, let me just give you a brief description of what we read, all right? So, in this story, as you all know, in this story, there is a dog, a very cute dog, and his name is Tricky, and his mistress' name is Mrs. Pamphrey, who loved him most, all right? And the second character is James Herriot, and who is playing the character of doctor and along with being a writer of this story, okay? So we read that Mrs. Pamphrey took the decision and listened to the Mr. Herriot's words. So she agreed to keep his dog in his observation. Okay. Now come to the page number 3 and look at the paragraph after question answers. Okay. At the surgery, the household dog searched round me. Here the word searched, search means crowded, means jo crowded area hota hai, jo bheed wala hota hai, it's called a search. So at the surgery, the household dog searched round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down, lay motionless on the carpet. So here, यहाँ पे जो मिस्टर हैरियट हैं, जो सर्जन हैं, वो खुद से ही कह रहे हैं कि जैसे ही वो सर्जरी, मतलब जहाँ पे वो सब डॉग्स को अपने पैट्स को रखते थे और उन्हें क्योर करते थे, वहाँ पे वो आए तो उन्होंने देखा कि एवरीवन इज सर्ज राउंड हिम, कि सब सारे जो पैट्स हैं, वो डॉग्स हैं, वो उनके राउंड में इधर उधर इकट्ठा हो गए, बहुत ज़्यादा क्राउड कर दिया. और व्हेन ही सॉ द ट्रिकी, तो ट्रिकी क्या था, बहुत ही नॉइजी, डल आइज के साथ, बहुत मोशनलेस और वीक, फीबल नज़र आ रहा था. एंड ही सेट ऑन द कार्पेट. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग मीन्स ब्रीदिंग थ्रू नोज, नोज से स्मेल करना, यू कैन से स्मेल. सो द अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स decided he was an uninteresting object and ignored him. So क्या हुआ, जैसे other dogs आए किसके पास, Tricky के पास, and उसे smell किया. So they all decided कि ये जो Tricky है बहुत uninteresting सा एक object है, because वो motionless था, वो बहुत tired था, बहुत feeble था. तो सारे dogs को क्या लगा कि एक uninteresting object है, तो उन सब ने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वॉर्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. सो यहाँ पे जो ऑथर है, मीन्स जो राइटर हैं और मिस्टर हैरियट हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बेड रेडी किया, उसका एक बॉक्स में, एक कार्टन बॉक्स में उसने उनका एक बेड रेडी किया और कहाँ पे पुट कर दिया, नेक्स्ट टू द अदर डॉग्स बेड. ओके. फॉर टू डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. सो हियर मिस्टर हैरियट ने क्या किया, व्हाट ही डिड, कि उन्होंने दो दिन तक तो उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखा, मतलब देख रेख में रखा, देखते रहे उसे, और उसे बिल्कुल भी फूड नहीं दिया, बट पानी उसको दिया, वाटर दिया एक अच्छी क्वांटिटी में. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. सो ऑन द सेकेंड डे उसने अपना इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट कर दिया ऑन हिज सराउंडिंग्स, मतलब जो भी उसके आसपास था वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहा था. एंड ऑन द थर्ड ही बिगिन टू विम्पर. सो हियर द वर्ड इज विम्पर. विम्पर मीन्स मटरिंग, यानी कुछ फुसफुसाना या कुछ नॉर्मली पैट क्या करते हैं, धीरे धीरे से आवाज़ निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड, डॉग्स इन द यार्ड. सो व्हेन ट्रिकी हर्ड द डॉग वॉइसेस
इन द आर्ट, सो ही स्टार्टेड विम्परिंग. तो अब ये जैसे ही उसने विम करना स्टार्ट किया, इट मीन्स उसमें अब कुछ मोशन स्टार्ट हो गए थे. वो टायर्ड उतना नहीं लग रहा था जितना वो फर्स्ट डे पे था. तो थर्ड डे पे वी कैन सी कि अब तो कुछ उसमें रिकवर हो रहा है या कुछ रिकवरी उसमें दिखाई दे रही है. ऑलराइट, व्हेन आई ओपन द डोर, सो व्हेन मिस्टर हैरियट ओपन द डोर, ट्रिकी ट्रॉटेड. सो ट्रॉटेड मीन्स, सी दिस वर्ड ट्रॉटेड, ट्रॉटेड मीन्स रन आउट एंड वॉज इमीडिएटली एंगल्ड. सो हेयर द एंगल्ड, एंगल्ड मीन्स स्वीप ओवर समथिंग राइट बाय जॉ. सो देर आर अनदर कैरेक्टर जो द ग्रे हॉर्न. ग्रे हॉर्न इज, ये ब्रीड कह सकते हो एक डॉग की, ये भी एक डॉग है जो एक ब्रीड है डॉग की, ग्रे हॉर्न. सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, जो ट्रिकी था वो आता है, रन करता है, बाहर निकलता है क्विकली एंड एंगल्फ बाय जॉ, और जॉ के ऊपर चढ़ना करना स्टार्ट कर देता है. एंड हिज फ्रेंड्स, एंड जो फ्रेंड्स मीन्स द अदर डॉग्स. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. सो जैसे ही उसको इंस्पेक्ट किया और चेक किया, तो सब डॉग्स कहाँ चले गए, दे ऑल मूव टूवर्ड्स द गार्डन. ट्रिकी फॉलोड दैम, ट्रिकी ऑल्सो फॉलोड दैम मीन्स फॉलोड द अदर डॉग्स, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. So here the surplus means an amount that is extra or more than you need, means एक ऐसा amount, fat amount जो need से ज़्यादा हो. यहाँ पे एक simple words में आप कह सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा fat उसकी body में था, तो वो slowly slowly with surplus fat से roll करता हुआ किसको follow कर रहा था, other dogs को. Later that day, I was present at feeding time. I watched by Tristan. So here, Tristan is a staff employee, means a staff, or you can say employee, slopped the food into the bowl. Slope, you can say pouring the food, right? आप serve करते हो, pour करते हो food को into the bowls. So the next day, जब फीडिंग टाइम हुआ, फूड टाइम हुआ डॉग्स का, तो वहाँ पे जो ट्रिस्टन थे, जब वो प्योर कर रहा था फूड को इन टू द बोल्स, सो देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग्स. सो हेयर द वर्ड हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग कहते हैं क्विक, इन अ क्विक वे, रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. आपने देखा होगा जैसे ही बोल्स में फूड रखते हैं हम फॉर द डॉग्स, तो वो दे बहुत फास्टली उसको लिक करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो लिक करते हैं तो उनके टंग से आवाज़ आती है. एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. सो एवरी डॉग न्यू दिस थिंग वेरी वेल, दैट अगर वो दूसरे डॉग से पीछे रह जाता है तो जो कंपटीशन था वो नहीं रहेगा, कॉम्पिटिटिव वे नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें कम्पीट करना था टू दी अदर डॉग्स, राइट. सो वो कंपटीशन शो कर रहा था, इसलिए वो क्विकली अपने मील की तरफ भागते हैं एंड स्टार्ट लिकिंग देयर मील्स. ऑलराइट, सो नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन दे हैड फिनिश्ड, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बोल्स. सो जैसे ही सब लोग फिनिश करते हैं, ट्रिकी कहाँ जाता है, वो जो शाइनिंग सा बोल रखा था उसके बाद जाता है, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम. बहुत कैजुअली वो लिक करना स्टार्ट करता है, ईट करना स्टार्ट करता है. देन नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड. प्लीज मीन्स हैप्पी टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट. सो क्या होता है, जैसे ही वो जाता है नेक्स्ट डे, एक एक्स्ट्रा बोल रखता है फॉर ट्रिकी, तो उसको देखता है, वो बहुत हैप्पी होता है कि ट्रिकी उसकी तरफ भागता है और मींस अपना इंटरेस्ट शो करता है, राइट. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड. तो उस दिन के बाद से जो ट्रिकी का प्रोग्रेस था वो बहुत रैपिड, बहुत फास्ट होने लगा. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रन
about with the dogs joining in their friendly scrimmages. Scrimmages means a rough or confused struggle fight. But देखो, there is no medical treatment for Tricky. But still उसमें progress दिखाई देती थी because whole day वो other dogs के साथ fight करता है, friendly fight करता है. Scrimmages आप कह सकते हो friendly fight करता है with the other dogs. भागता है उनके साथ, food enjoy करता है और extra कुछ नहीं खाता. Right? He discovered the joy of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. तो वो क्या देखते हैं कि bowled over वो tramp करते हैं, squashed you can say flat, soft or out of shape as a result of being crushed or squeezed with free with squeezed with force means जैसे ही वो अपने फूड को देखते हैं तो फ्रेंडली स्क्रिमिज करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं और फोर्स से एक दूसरे को स्क्वीज करते हैं. तो इट वॉज फन एक्चुअली. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. सो नाउ वो उस गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर्स काउंट किया जाने लगा, मतलब अदर डॉग्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है एट लास्ट. ऑलराइट, सो He discovered the joy of being bowled over, tramped and on and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew. See, here the word shaggy. Shaggy means rough. All right. Fighting like a tiger for his share at meal time and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो क्या करता है dog, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो try कर रहा है, enjoy करने की कोशिश कर रहा है. और जो वहाँ के dogs थे वो बहुत shaggy थे, वो जो dog का group था वो बहुत shaggy थे, वो तो rough थे. But जो tricky था वो बहुत silky था, उसके जो furs थे वो बहुत silky थे, hairs थे. So बहुत मुश्किल है उस तरह के डॉग को, उस तरह के डॉग्स के साथ एडजस्ट करना. तो उसको यहाँ पे एक ऐसा कंपेयर किया गया कि ट्रिकी को, कि ट्रिकी तो क्या है, मॉर्निंग टाइम में वो टाइगर की तरह रिएक्ट करता है एंड एट द नाइट टाइम ही हंटिंग लाइक अ रैट. जब मील टाइम होता है उनका तो वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं. तो आई थिंक मीन्स यहाँ पे मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि शायद उसने Never had such a time in his life. इस तरह का जो life थी उसकी वो उसने कभी भी feel नहीं करी थी. Alright, so all the while Mrs. Pamfrey hovered anxiously in the background. So here the word hovered. Hovered means remain, right? Anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. So यहाँ पे क्या होता है कि जो मिसेस पैम्फ्रे थे वो बहुत anxiously, बहुत curious रहती थी और हमेशा ring करती रहती थी to know about his dog, means his Tricky. But background में क्या चलता था यहाँ पे कि एक तरफ तो Tricky recover कर रहा था और दूसरी तरफ on the other hand मिसेस पैम्फ्रे डजन टाइम वो कॉल करती रहती थी टू नो द लेटेस्ट बुलेटिन, टू नो द लेटेस्ट न्यूज ऑफ हिज लवली ट्रिकी, ऑफ हर लवली ट्रिकी. सो आई डॉज्ड. सो हेयर द वर्ड डॉज्ड. सो डॉज्ड मीन्स इंटेंशनली अवॉइडिंग, अवॉइडेंस ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन. ऑल राइट, so the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. So here the word convulsing. Convulsing means recovering from an illness. All right. So यहाँ पे जो Mrs. Pamfrey थे वो all time सिर्फ यही चीज पूछ रहे थे बिकॉज शी वॉज वेरी रिच, राइट. तो वो ऑल टाइम यही पूछते रहते थे कि क्या क्वेश्चन रेगुलरली चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ट्रिकी के लिए, और उसके जो कोट थे उसको रेगुलरली अकॉर्डिंग टू द वेदर उसे वो कोट पहनाए जा रहे हैं या नहीं पहनाए जा रहे हैं. बट हेयर
मिस्टर हैरियट टेलिंग टू हिम कि शी ही ट्राइड टू इंटेंशनली अवॉइड इट. ओके, सो उन्होंने ये कहा कि बट उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोली उसको कि वो क्या है, अब आउट ऑफ डेंजर है एंड इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस. अब वो अपनी इलनेस से रिकवर कर रहा है, तो उन्हें ये चीज़ नेसेसरी लगती है मिस्टर हैरियट को, और बाकी वो जो चीज़ें पूछते हैं उन्हें अननेसेसरी लगती है. इसलिए वो सिर्फ इतनी सी बात बोलते हैं कि वो अब रिकवर कर रहा है, मीन जो ट्रिकी है वो रिकवर कर रहा है. द वर्ल्ड कन्विंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस फैनफ्रे. अब जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका जो डॉग है वो रिकवर कर रहा है, तो उन्होंने अब वो क्या स्टार्ट कर दिया, उन्होंने ये बात सुनते ही कि अब उन्हें किसके लिए कुछ करना है, अपने डॉग के लिए कुछ करना है. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स. सो बेसिकली फॉर हर डॉग को जो उनका ट्रिकी है उसको ठीक करने का मतलब क्या होता है, लेट मी जस्ट गिव लॉट ऑफ फूड, राइट. उनका सिर्फ यही मतलब होता है कि बस लॉट ऑफ फूड उसको दिए जाए. तो व्हाट शी डिड, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ. फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट. तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, ट्रिकी को एक टाइम में कम से कम 2 dozen एग्स उन्होंने भेजना स्टार्ट कर दिया. सो हियर मिस्टर हैरियट एंड हिज फ्रेंड्स, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट में वो 2 eggs लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो ट्रिकी को तो दे नहीं सकते थे और मिसेस फैम्फ्रे को मना भी नहीं कर सकते थे, राइट. सो उन्होंने वो 2 eggs स्टार्ट कर दिया लेना. बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, बट पहले तो ब्रेकफास्ट में उन्होंने 2 eggs लिए, बट जब बॉटल्स आई, किसकी बॉटल, वाइन बॉटल, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड. अब वो रियल पॉसिबिलिटी मतलब एक तरीके से उस घर में एक अजीब सा माहौल हो गया था, एटमॉस्फेयर हो गया था. इट वॉज एनरिच ट्रिकीज ब्लड. वो वाइन क्यों भेजती थी, ट्रिकी का ब्लड बढ़ाने के लिए, उसे अच्छा हेल्दी करने के लिए. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन. सो हियर द वर्ड इज सेरेमोनियल, मीन्स अ सेरेमनी और ओकेजन. एक सेरेमनी सी हो गई थी उनके लिए, सेलिब्रेशन यू कैन से, विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील्स. मीन्स खाना खाने से पहले और ड्यूरिंग द मील भी वो वाइन ले रहे थे. तो एग्स आना और वाइन आना, तो इट जस्ट लाइक फॉर देम कि अब तो उनके लिए एक सेरेमनी है, एक सेलिब्रेशन का टाइम है. ऑल राइट, सो थैंक यू.